प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अलग ही दबदबा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया, जिसका फायदा दोनों को हुआ। लेकिन यूपी के बाहर सपा को इंडिया गठबंधन के घटक दलों से तहजीब मिल रही है या नहीं, ये सवाल सबसे अहम है। सियासी पंडितों की माने तो उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है। उसका मानना है कि सपा सिर्फ यूपी में ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन दूसरे राज्यों में उसका संगठन कमजोर है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सपा से दूरी बना ली। सूत्रों से खबर है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की पार्टी में बात नहीं बन पाई। सपा ने कांग्रेस से 12 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन बात 5 से 3 सीटों पर अटक गई। हालांकि इसमें भी सपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई। कांग्रेस ने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सपा को दो टूक बोल दिया कि इंडिया गठबंधन के तहत दोस्ती सिर्फ यूपी में चल सकती है। हरियाणा चुनाव से पहले इसे अखिलेश के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर ये ऐलान किया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि बात सीट की नहीं जीत की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि कांग्रेस से मिले झटके का जवाब अखिलेश यूपी उपचुनाव में दे सकते हैं। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि आगामी यूपी चुनाव में अखिलेश राहुल की पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राहुल गांधी अखिलेश को यूपी के बाहर तवज्जो नहीं दे रहे हैं? सपा और कांग्रेस के अंदर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चल क्या रहा है? क्या सपा और कांग्रेस में फिर से दूरियां बढ़ने लगी हैं? हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।